चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करें डेवऑप्स के नए सीरीज के साइड, और आज हम लोग बात करेंगे गिटहब के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो गिटहब टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवऑप्स प्रोफाइल के लिए। तो कोई बंदा अगर बोलता है कि मैं डेवऑप्स प्रोफाइल पे जाना चाहता हूं, तो उसके स्किल्स में गिटहब टूल्स होना ही चाहिए, ठीक है? तो हालांकि गिटहब जो है ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आप इसको 10 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, है ना? लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा है डेवऑप्स प्रोफाइल के लिए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं गिटहब के वीडियोस को बनाना, और आज के वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो गिटहब को अंडरस्टैंड कराने जाऊंगा आपको कि गिटहब है क्या एक्चुअल में। आपको मैं आज ये चीज बताऊंगा, तो अगर आप गिटहब को समझना चाहते हो बेटर तरीके से, तो अगर आप गिटहब को एक बेटर तरीके से समझना चाहते हो दोस्तों, तो आपको उससे पहले गिट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और अगर आप गिट को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो आपको उससे पहले वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको पहले समझना पड़ेगा। और अगर आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम को समझना चाहते हो, तो आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं था मार्केट पे, आईटी इंडस्ट्री में वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं था, तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी हमें। तो अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, तो फिर आप ये चीज बेटर तरीके से समझ जाओगे कि अच्छा, ये प्रॉब्लम्स थी तो इस प्रॉब्लम को वर्जन कंट्रोल सिस्टम ने सॉल्व कर दिया। और अगर आपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर आप गिट को अंडरस्टैंड कर लोगे। और अगर आप गिट को अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आपको गिटहब भी अंडरस्टैंड हो जाएगा बेटर तरीके से। और अगर आपको गिटहब अंडरस्टैंड हो गया, तो फिर आप ये अंडरस्टैंड कर लोगे कि गिटहब को डेवऑप्स प्रोफाइल पे कहां ले जाकर फिट करते हैं, ये फिर आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गया था, तो उसे मुझे पिक करना पड़ा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि गिटहब अगर आप समझ गए, तो फिर आपको डेवऑप्स में गिटहब को कहां पे ले जाके फिट करते हैं वो आप अंडरस्टैंड कर जाओगे बेटर तरीके से, ठीक है? तो ऐसे ही हम लोग यहां पर आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं था तो प्रॉब्लम्स क्या थी, किस टाइप से काम कर रहे थे हम उस टाइम पर, और वर्जन कंट्रोल सिस्टम के आने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और फिर गिट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर गिटहब के यूज केस को समझेंगे, और फिर गिटहब को डेवऑप्स में कहां पे ले जाकर फिट करते हैं आज उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन के ऊपर है। आज हम लोग ऐसा कुछ प्रैक्टिकल जैसा कुछ भी आज डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से गिटहब के ऊपर प्रैक्टिकल्स मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग डायग्राम के फॉर्मेट में। तो ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पर जो अंडरस्टैंड करेंगे, आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम लोग समझेंगे वर्जन, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में समझेंगे, और एटलीस्ट थोड़ा सा छोटा है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट को 14 में कर लेता हूं। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, क्लियर। तो आज हम लोग पहले समझेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और वर्जन कंट्रोल सिस्टम को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या थी। पहले प्रॉब्लम्स कब समझेंगे, यहां पे ले लेता हूं, प्रॉब्लम समझेंगे, प्रॉब्लम्स के बाद वर्जन कंट्रोल सिस्टम समझेंगे, और उसके बाद गिट समझेंगे, और गिट के बाद हम लोग समझेंगे गिटहब को। तो ये सीरीज में हम पूरा का पूरा आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम्स को समझने के लिए मान लीजिए कि ये आपका एक कंप्यूटर है, क्या है ये, मान लीजिए एक कंप्यूटर है, ठीक है?
ये एक कंप्यूटर है आपका। अब क्या हो रहा है कि इस कंप्यूटर में हमने एक फोल्डर बना दिया, मान लीजिए इस कंप्यूटर में क्या किया, हमने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया और मैंने इस पे फोल्डर बना दिया, एक कॉमन नाम का मैंने एक फोल्डर बना दिया, ये कॉमन नाम का, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, ये मैंने क्या किया, ये कंप्यूटर है, इसके अंदर मैंने कॉमन नाम का फोल्डर बनाया और कॉमन नाम के फोल्डर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल रख दी। ये जो मैं बता रहा हूं ये प्रॉब्लम्स बता रहा हूं अभी, राइट। मैंने एक अपनी एक फाइल रख दी और फाइल का नाम जैसे abc.txt है मान लीजिए, मैंने एक फाइल रख दी। अब इस फाइल के अंदर मैं गया और इस फाइल के अंदर मैंने क्या किया, एक एक लाइन लिख दी मैंने इस फाइल के अंदर जाके, और लाइन यहां पर क्या है, हेलो इंडिया, ठीक है। मैंने एक लाइन लिख दी यहां पर इस फाइल के अंदर, हेलो इंडिया, ये क्या लिख दी मैंने यहां पर, एक हेलो इंडिया लाइन लिख दी। अब abc.txt फाइल के अंदर क्या लाइन लिखी है, हेलो इंडिया। अब कल को या कुछ दिन के बाद मैं एबीसी वाली फाइल को ओपन किया, क्या किया मैंने, एबीसी वाली फाइल को मैंने यहां पर ओपन किया, तो देखिए ये एबीसी नाम की मेरी फाइल थी, इस फाइल के अंदर मैंने हेलो इंडिया लाइन को लिखा है। अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद मैंने एबीसी वाली फाइल को ओपन किया और एबीसी वाली फाइल को ओपन करके मैंने हेलो इंडिया की जगह क्या लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया हेलो एजोर, ये लिख दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैंने एबीसी फाइल के अंदर के कंटेंट को मैंने चेंज कर दिया, है ना। अब दिक्कत क्या आएगी मेरे पास यहाँ पर, अब दोस्तों मेरे पास यहाँ पर दिक्कत क्या आने वाली पता है, कुछ दिन के बाद मुझे पुराना वाला कंटेंट की जरूरत पड़ गई, मतलब कुछ दिन निकल गए और एक हफ्ते दो हफ्ते के बाद मुझे याद आया कि एबीसी फाइल के अंदर जो पुराना कंटेंट था हेलो इंडिया, मुझे उसकी जरूरत है। तो अब क्या होगा दोस्तों, क्या वो मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी। तो अगर मुझे वो पुराना कंटेंट मिल जाए तो मुझे पहले क्या करना चाहिए था, मैं चाहता हूं कि अगर मैं फ्यूचर में पुराने कंटेंट को भी ले लूं, रिस्टोर कर लूं, तो मैं यहां पर ऐसा क्या कर दूं कि मुझे पुराना कंटेंट भी मिल जाए फ्यूचर में कभी। तो उसका एक ही सलूशन था उस टाइम पर, और सोल्यूशन ये था कि भाई तूने जब एबीसी फाइल बनाई थी उसके अंदर जो तूने कंटेंट लिखा था वो बढ़िया था, कोई बात नहीं, लेकिन अब तू जब भी उस एबीसी फाइल के अंदर जाकर उसके कंटेंट को अगर तू चेंज करता है ना, तो चेंज करने से पहले तू एक काम कर ले, चेंज करने से पहले काम क्या कर ले तू, सोल्यूशन क्या था कि चेंज करने से पहले तू एक काम कर ले, और वो काम यहां पर क्या था कि तू उस एबीसी नाम की जो फाइल है, क्या है, एक मिनट, ये तू जब भी एबीसी नाम के फाइल के कंटेंट को चेंज करने जाता है ना, तो चेंज करने से पहले तू एक काम कर, इस फाइल को ना किसी दूसरे लोकेशन में कॉपी करके रख ले और फिर उसके बाद तू चेंज कर। तो ये एबीसी नाम की फाइल को मैं क्या करता हूं, मैं कॉपी करके किसी दूसरे लोकेशन में उसको मैंने रख लिया, जैसे इस लोकेशन में रख लिया, और कॉपी करके जब मैं रख रहा हूं तो यहां पर मैं नाम दे दिया जैसे abc.txt, और डेट ऐसे सेट कर दो, आज जैसे 28 तारीख है तो मैंने लिख दिया भाई, यहाँ पे डाल दिया मैंने 28/2020, और कितना बज रहा है, 11:08 हो रहा है सुबह के, ये लो। तो जब भी तू इस फाइल के कंटेंट को चेंज करने जाता है तो चेंज करने से पहले एबीसी नाम की फाइल की एक कॉपी रख ले कि तू किसी दूसरे लोकेशन में ऐसे डेट एंड टाइम देकर, और फिर तू उस पे चेंज कर ले। तो फिर तू अगर उस पे चेंज करता है और फ्यूचर में तुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे पुराना वाला कंटेंट चाहिए था, तो ठीक है भाई ये वाली फाइल में तो पुराना वाला पड़ा हुआ है, तो यहां से रिस्टोर कर लियो। तो इस तरीके से अब कहा गया
इस बंदे को कहा गया भाई तू जब भी इस फाइल पे कोई चेंजेस करने जाता है, जब भी इस फाइल पे कोई चेंजेस करने जाता है तो तू चेंजेस करने से पहले उसकी यहां पर एक कॉपी कर ले, एक एक कॉपी रखते जा। तो क्या करेगा, नंबर ऑफ कॉपी यहां पर जब भी वो चेंज करने जाया करेगा, वो यहां पर दूसरी कॉपी बना लिया, वो चेंज करने गया वो तीसरी कॉपी बना लिया, वो चेंज करने गया चौथी कॉपी बना लिया, ऐसे उसने दूसरी कॉपी बना ली यहां पर। अगले दिन चेंज कर रहा है तो उसने अगले डेट के हिसाब से अगली कॉपी बना ली उसने, ये देखो। तो इस तरीके से उससे बोला गया भाई तू जब भी चेंज करने जाता है तो तू उसको सीपी कमांड से या विंडो है तो कॉपी करके तू किसी दूसरे लोकेशन में से कॉपी बना के रख ले। तो इस तरीके से काम हो रहा था भाई पहले। तो यहां पर देखो उसी फाइल की डेट एंड टाइम के हिसाब से पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब उसे याद आया कि यार मुझे उस डेट में जो चेंजेस किया था उससे पहले वाली फाइल चाहिए, तो यहाँ पे आके वो फाइल को रिस्टोर कर ले। तो अगर देखा जाए यहाँ पर एक सिंगल बंदा काम कर रहा है इस फाइल के ऊपर, ठीक है ना, इस फाइल के ऊपर एक सिंगल बंदा काम कर रहा है। देखो अगर ऐसा हो कि इस फाइल के ऊपर नंबर ऑफ बंदे काम करने लगे, बोला जाए तो 10 बंदे इस फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो अब क्या होगा, अब 10 बंदे अगर इस फाइल के ऊपर काम करेंगे तो ये जो कॉपी वाला सिस्टम है ये तो बहुत सारे फाइल हो जाएंगे फिर यहां पर, बिल्कुल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, लिनक्स के ऊपर या विंडोज के ऊपर आप एक बार में एक ही फाइल एक ही जन ओपन कर सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 4 बंदे यहाँ पे लाके रख दूं, अब 4 बंदे सिस्टम के अंदर घुस के पहला बंदा अगर इस फाइल को ओपन कर लिया तो दूसरा बंदा उस फाइल को ओपन करके कुछ एडिट करेगा तो उसे वो एडिट नहीं करने देगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अगर एक बंदे ने इस फाइल को ओपन कर लिया, एक बार ये फाइल ओपन हो चुकी है तो दूसरा बंदा जब उस फाइल को ओपन करता है तो लॉक मोड में चली जाती है, तो मैं इसका मतलब एक बार में एक ही बंदा एडिट करेगा इस फाइल को। तो लेकिन अब कहा गया कि इस फाइल पे 10 बंदे काम करेंगे, अब क्या करें, इस फाइल के ऊपर कहा गया 10 बंदे काम करेंगे, तो इस फाइल के ऊपर अगर 10 बंदे काम करेंगे, अब वो 10 बंदे ऐसे भी हो सकते हैं कि इस सिस्टम पे लोकल लॉगिन करके काम करें, या वो 10 बंदे ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने सिस्टम पे बैठकर इस फाइल पर काम करें। तो मान लीजिए 10 बंदों का सिस्टम ही है, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ये एक बंदे का सिस्टम है, ये अगले बंदे का सिस्टम है, ये अगले बंदे का सिस्टम है, ये 4 बंदे। अब 4 बंदे इस फाइल पे काम करना चाहते हैं, तो 4 बंदे अगर इस फाइल पे काम करना चाहते हैं तो दो तरीका है, या तो 4 के 4 बंदों को बोलो कि यहां पर SSH करके इसको इस सिस्टम को एक्सेस कर लें, और एक्सेस करके क्या करें उस फाइल को ओपन करें, तो 4 बंदे एक साथ उस फाइल को ओपन करेंगे और कुछ लाइन में चेंजेस करेंगे तो कॉम्प्लिसिटी आएगी यहां पर, कॉन्फ्लिक्ट का एरर आएगा। तो इसका सलूशन क्या निकाला गया उस टाइम पर, उस टाइम पर इसका सलूशन ये निकाला गया कि 4 बंदे इस फाइल पे काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, 4 के 4 बंदों को बोलिए कि अपने सिस्टम से बैठ के ना इस फाइल को डाउनलोड कर लें, पहले क्या कर लें, अपने सिस्टम से बैठ कर क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। तो 4 के 4 बंदे क्या करेंगे यहां पर, इस फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, ये लीजिए। ध्यान से समझिएगा ये प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं। तो इस फाइल के ऊपर 4 बंदे काम करना चाहते हैं, तो 4 बंदों ने क्या किया, इस फाइल को अपने सिस्टम पर डाउनलोड करके रख लिया, अब उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, उस पे वो चेंजेस वेंजेस कर रहे हैं, ये चेंजेस कर रहे हैं, वो चेंजेस कर रहे हैं। तो मान लीजिए इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने उस फाइल को डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर लेके आ गया abc.txt, इस बंदे ने भी ऐसे कर लिया, इस बंदे ने भी अपने सिस्टम पे क्या किया, abc.txt को डाउनलोड कर लिया, इस बंदे ने भी क्या किया,
abc.txt को अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया और इस बंदे ने भी क्या किया abc.txt को अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया। अब क्या हुआ abc इन्होंने डाउनलोड कर लिया तो इन्होंने जब डाउनलोड किया होगा तो उन्हें लेटेस्ट वाली फाइल मिल गई होगी ठीक है। अब वो डाउनलोड करके अब अपने सिस्टम पे उस फाइल के अंदर कंटेंट पे चेंजेस कर रहे हैं है ना। अब मान लो वो लोग बार बार चेंजेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी एक कॉपी वो लोग भी अपने लोकल सिस्टम पे कहीं पर रखते जाए क्योंकि हो सकता है कि इनको चेंज करने के लिए बोला गया। अब ये बार बार चेंज कर रहे हैं, दिन भर में 50 बार चेंज कर रहे हैं, लेकिन मुझे फाइनल चेंजेस चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बार बार जो चेंज कर रहे हैं तो उसकी लोकल कॉपी उन लोग रख रहे हैं और फाइनल चेंज होने के बाद मुझे बता देते हैं कि हमने हमने डन कर लिया, ये भी चेंज करके ये भी बोला हमने डन कर लिया। अब ये चारों ने उस फाइल पे चेंज कर करके डन कर लिया। अब इनका अगला काम क्या आएगा कि भाई अपलोड कर दो, यहां पर अपलोड कर दो। अब ये लोग अपने सिस्टम से अगर उस फाइल को अपलोड करते हैं तो ये बंदा जब अपलोड करेगा तो फाइल का नाम एबीसी है, यहां पर भी एबीसी है, तो फाइल क्या होगी, ओवरराइट हो जाएगी ना। या तो फिर मैं ऐसा करूं कि इनको बोलूं भाई तू अपलोड करने से पहले ना इस फाइल का नाम तू चेंज कर देना, आगे कुछ डेट या टाइम या अपना नाम या अपने सिस्टम का होस्ट नेम लगाकर या अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस लगाकर तू अपलोड करना तो कॉमन नाम के फोल्डर के अंदर एक अलग फाइल बन जाएगी। इसको भी मैंने बोला ऐसे ही कि तू भी चेंज कर दियो नाम या होस्ट नेम कुछ और अपलोड करिए तो तेरा अलग आ जाएगा। अगर मैं इनको ऐसा नहीं बोलता तो सब लोग abc.txt को ही अपलोड करते तो ओवरराइट हो जाती यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने इनको बोला कि भाई अपलोड कर दियो, तो ये लोग अपलोड कर दिए। अब ये चार फाइल मेरे पास आ गई, देखिए चारों फाइल। अब मैं क्या करूंगा, अब चारों फाइल को मैं ओपन करता, ओपन करके देखता कि भाई आपने क्या चेंज किया और किसके चेंजेस को मुझे रखना किसके चेंजेस को मुझे नहीं रखना। एक बंदा यहाँ पे बैठा के रख दूं, वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट को मेजर कर करके फिल्टर कर लेगा। क्लियर। तो देखिए अगर एक ही फाइल के ऊपर नंबर ऑफ, अभी यहां पर चार बंदे हैं, अगर यहां पर 40 बंदे हो तो 40 बंदे अगर एक ही फाइल के ऊपर काम करें और अपलोड करें अपने डेट और टाइम और अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से भी अपलोड करें तो उनकी फाइल जब यहाँ पे आएगी उनकी फाइल को ओपन करना, उनकी फाइल को ओपन करके कॉन्फ्लिक्ट को मेजर करना, चेक करना, उसके बाद फाइनल में कंटेंट को निकाल कर फिर मैं यहाँ पर उसका एक अलग कॉपी रखूं। तो देखें यहाँ पर मैनुअल अगर आप ये काम करें तो कितना बड़ा टास्क हो जाएगा। और जिस कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है ना दोस्तों, मान लो ये एक डेवलपमेंट, इस सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक सोर्स कोड फाइल है मान लीजिए जहां पे कोडिंग हो रही है, तो उस फाइल के ऊपर बहुत सारे लोग कोडिंग कर रहे हैं। देखिए तो अगर ये अपना कोड अपलोड करे तो कॉम्प्लेक्सिटी देखिए कितना आ जाएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम बैठा के रखनी पड़ेगी हमें जो बेटर तरीके से मैनेज करेगा भाई, वो चेक करेगा भाई इसके एंड से फाइल आई कि नहीं आई, पूरा कोऑर्डिनेशन करेगा। मान लो फाइल अपलोड करने में कुछ दिक्कत आ गई तो दिक्कत आएगा, फिर ये सबकी फाइल को कलेक्ट करके एक टीम को बैठाकर उस सारी फाइल को ओपन करके कॉन्फ्लिक्ट चेक करेगा भाई इसने क्या चेंज करके अपलोड किया, फिर किसके चेंजेस को रखना है किसके चेंजेस को नहीं रखना, उसको फिल्टर करना, फिल्टर करके फाइनल एक फाइल निकालना है, फिर उस फाइनल फाइल को मुझे इसके साथ यहाँ पे अपडेट करना है, यहाँ पे अपडेट करूंगा तो फिर मैं उसकी एक कॉपी अपने पास रखूंगा क्योंकि फाइनल वाली सोर्स कोड फाइल कंप्लीट हो जाएगी तभी मैं उसको कंपाइल करूंगा। जब मैं उसको कंपाइल करूंगा फिर उसके बाद वो सॉफ्टवेयर बनेगा, जब वो सॉफ्टवेयर बनेगा तब उसकी सोर्स सॉफ्टवेयर की क्वालिटी टेस्ट होगा, फिर क्वालिटी टेस्ट होगा तभी उसको मैं प्रोडक्शन में डालूंगा तभी वो फिर वो मार्केट में बिकेगा। तो बैकएंड वाला काम जो डेवलपर्स बैठ के जो सोर्स कोड लिख रहे हैं राइट कर रहे हैं, ये बैकएंड वाला काम देखा जाए अगर आप
मैनुअल करें तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक बहुत बड़ी टीम आपको बैठा के रखनी पड़ती है और पता नहीं कित बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी लग रहा। तो ये था प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या था, सब कुछ मैनुअल हो रहा है और मैनुअल में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, ये प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मार्केट में वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे क्या था, वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या था कि ये कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर के ऊपर मैंने वर्जन कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगर कर दिया। और जब मैंने इस कंप्यूटर के ऊपर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, अगर मैंने इस कंप्यूटर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिया, तो जब मैं इसके ऊपर वर्जन कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगर कर दिया तो ये वर्जन कंट्रोल सर्वर बन गया। अब जब ये वर्जन कंट्रोल सर्वर बन गया ना, तो ये लोग जब अपनी फाइल को अपलोड करते हैं, यहाँ पर जब ये अपनी फाइल को यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर उसके उस जो फाइल इनके एंड से आ रही है उसकी वर्जनिंग ऑटोमेटिक हो रही है। ऑटोमेटिक का मतलब ये फाइल को अभी 10:11:05 में अपलोड किया, ठीक है, तो फाइल जब यहां पे आएगी ना तो वो ऑटोमेटिक टाइम और ऑटोमेटिक टाइम सब कुछ अपने आप ले लेगी। फिर उसने 11:10 में फिर अपलोड किया, अपने आप अगली कॉपी बन जाएगी उसको उसकी, ये 11:12 में फिर अपलोड करता, फिर उसके बाद अपनी आप कॉपी बन जाएगी। मतलब जब ये लोग अपलोड करते हैं तो बैकएंड में जो यहाँ पर मैं टीम बैठा के रख रहा था ना, कि भाई टीम बैठा के रख दिया कि भाई इसको बोल दो, इसको बोलो कि भाई अपलोड करने से पहले ये लास्ट में क्या कर दे, डेट टाइम लगा दे, डेट टाइम लगाता था फिर फाइल आती थी। अब वर्जन कंट्रोल जब सर्वर मैंने बना दिया तो मैंने बोला तू एबीसी वाली फाइल को ही अपलोड कर, तू कुछ एंड में मत लगा। तो एबीसी वाली फाइल जब अपलोड करता है तो यहाँ पर ओवरराइट नहीं होता है, यहाँ पर ओवरराइट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसकी फाइल आएगी यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अभी 11:10 में फिर अपलोड करेगा, फिर आएगी दूसरी कॉपी बन जाएगी, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, तो अपने आप कॉपी बन रही है नीचे यहाँ पर, और जो कॉपी बनेगी वो टाइम के हिसाब से बन जाएगी पूरी, भाई इस टाइम पे उसने अपलोड मारा है। तो देखा जाए वर्जन बोले अपने आप मेंटेन हो रहे हैं यहाँ पर, फाइलों के वर्जन अपने आप मेंटेन हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हो गई। अब यहाँ पर देखो किसी पर बंदे को बैठा के आपको नहीं रखना कि तू भाई चेक करते जा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बंदा अपलोड मारता है, ये बंदा जब अपलोड करता है 1:02 में, तो ये फाइल अपलोड किया, वही फाइल यहाँ पे आई, ओवरराइट नहीं हुई, नीचे आ गए भाई 1:02 में एबीसी नाम की फाइल abc.txt, और टाइम आगे रहेगा, और ऐसा भी सेटिंग कर सकते हैं कि ये यूजर ने करा है, बात खत्म। तो देखिए यहां पर वर्जन क्या हो रहा, अपने आप मेंटेन हो रहा, अपने आप मेंटेन हो रहा। इसी के साथ साथ वर्जन, अब ये जो सिस्टम है, अब ये लोग अपने सिस्टम पे भी जब उस abc.txt पे जब वो एडिट करते होंगे, चेंजेस करते होंगे कंटेंट को, तो पता लगता है कि दिन भर में 50 बार वो लोग चेंजेस कर रहे हैं। तो 50 बार चेंजेस कर रहे हैं, 50 बार चेंज करके वो अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फाइलें हो जाती हैं, हो जाएंगी बिल्कुल। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ऐसा है कि भाई मैं इनको बोलूँ कि तुम लोग ना एक वर्जन कंट्रोल सर्वर अपने ही लैपटॉप में एक बना लो, इसको बोलूँ तो अपना वर्जन कंट्रोल सर्वर अपने ही लैपटॉप को एक बार बना ले, ये भी अपने आप अपने लैपटॉप में बना लेगा, ये भी अपने लैपटॉप में बना लेगा। तो मैंने इनको बोला कि जो आप लोग दिन भर चेंजेस करते हो ना, दिन भर चेंजेस जो आप करते हो, तो उसकी उसकी एक कॉपी आपको रखने की जरूरत नहीं है, आपके सिस्टम में ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगर है, आप लोग ही अगर कमिट करते जाएंगे, बोले तो सेव करते जाओगे, तो उसकी एक कॉपी अपने आप बनती जाएगी। तो ये लोग क्या बोलते हैं, यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया, हम लोग अपनी सिस्टम पे जब उस फाइल के कंटेंट में चेंजेस कर रहे थे, तो चेंज करने से पहले हमें अपने सिस्टम पे लोकल में किसी लोकेशन में उसकी कॉपी करनी पड़ती थी सीपी कमांड से, और अगर हमने दिन भर में 50 बार कोई चेंजेस करते हैं तो हम लोग को 50 बार उसकी मैनुअल कॉपी रखनी पड़ती थी। तो मैंने बोला अब आपको वो काम भी नहीं करना, आप अपने सिस्टम पर ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगर कर ले, बात खत्म। आप जैसी सेव करेंगे उसकी कॉपी अपने आप बन जाएगी, जैसी फाइल में चेंज करके उसको सेव करेंगे उसकी कॉपी अपने आप बन जाएगी। तो इन लोग को भी मजा आने लगा, इनके पास भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो गया, इनके सिस्टम में वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो गया, इनके सिस्टम में भी हो गया, इनके सिस्टम में भी हो गया। तो ये लोग अपना दिन भर में जो चेंजेस करते हैं तो उनका भी वर्जन कंट्रोल वर्जन मेंटेन हो रहा है, और फाइनल जब चेंज कर लें, तो मैंने बोला यार फाइनल चेंजेस वाली कॉपी मुझे दे दीजिएगा, मैं अब एक सेंट्रलाइज लगा के रखा हूं यहाँ पर,
क्योंकि फर्दर जो मैं एक्शन लूंगा वो सेंट्रलाइज से ही लूंगा ना, क्योंकि ये तो डेवलपर्स हैं, ये सारे डेवलपर्स उसी कोड के लिए काम कर रहे हैं, उसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उसी सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिख रहे हैं। तो इससे भी मैंने सोर्स कोड लिखवाया, इससे भी लिखवाया, इससे भी लिखवाया, इससे भी लिखवाया, अब सबका कलेक्ट करके मैंने सेंट्रलाइज लेके आ गया। अब मैं फर्दर आगे कंपाइल करूंगा और आगे नेक्स्ट करूंगा। तो यहां पर नोटिस करें, यहां पर वर्जन कंट्रोल सिस्टम के आने से क्या फायदा हुआ? वर्जन कंट्रोल सिस्टम के आने से डेवलपर यहां पर एक फाइल पे अगर 50 बार चेंज कर रहा है तो 50 बार चेंज करने से पहले उस फाइल को की एक कॉपी सीपी कमांड से एक कॉपी किसी लोकेशन में रखता था, 50 बार कॉपी रखता था। लेकिन अब जब जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे बना लेता है तो उसे ऐसा मैनुअल कॉपी करने वाला टेंशन खत्म। अगर उस फाइल के अंदर चेंज करके जैसे सेव करता है ऑटोमेटिक एक कॉपी बन जाएगी, जैसे चेंज करके सेव करता है ऑटोमेटिक कॉपी बन जाएगी। अगर बंदे ने 50 बार उसके फाइल के अंदर गया, उसके अंदर चेंज करके सेव किया, तो 50 की 50 कॉपी अपने आप बन रही है। तो उसको अगर याद आता है यार 20 नंबर वाली कॉपी मुझे चाहिए, तो अपने आप मेंटेन हो रहा है, वो वहां से निकाल सकता है। तो सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगी, तो टाइम बच गया यहां पर देखिए, और सेंटर यहां पर हमने लगा लिया, यहां पर भी टाइम बच गया। तो देखिए कितना टाइम बच गया वर्जन कंट्रोल सिस्टम के आने से। तो जब वर्जन कंट्रोल सिस्टम आ गया तो अब डेवलपर लोग क्या करते हैं, अब हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोडिंग करनी है, तो कोडिंग की मेन फाइल यहाँ पे रख दी गई है ना। अब कोडिंग की मेन फाइल यहाँ पे रख दी गई, अब डेवलपर को बोला भाई मान लीजिए मैं VLC बना रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं VLC बनाने के प्लान में हूं। तो अब मैंने क्या किया, VLC बनाने जा रहा हूं ना, तो मैंने बोला भाई जो VLC सॉफ्टवेयर बनाऊंगा वो VLC सॉफ्टवेयर तो मैं मैक के लिए भी बनाना चाहता हूँ, लिनक्स के लिए भी, विंडोज के लिए भी और XP के लिए भी, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि भाई ये मेन सोर्स कोड फाइल है, इसको आप लोग पहले अपना डाउनलोड कर लो। इस डेवलपर को बोला कि आप जो कोडिंग करेंगे वो मैक के लिए करिए, आप जो कोडिंग करिए वो XP के लिए करिए, आप जो कोडिंग करिए विंडो 10 के लिए करिए, आप जो कोडिंग करिए वो यूनिक्स के लिए करिए। बस सारे लोग VLC बना रहे हैं, VLC सॉफ्टवेयर ही बना रहे हैं। अब ये लोग अपना लग गए यहाँ पे सोर्स कोड राइट करना। अब लोग सोर्स कोड राइट करते हैं, चेंज करते हैं, तो एक चेंज करके को सेव करते हैं, वो वर्जन इनका मेंटेन हो रहा है, इनका मेंटेन हो रहा है, इनका मेंटेन हो रहा है। और मैंने बोला फाइनल जब हो जाए मुझे अपलोड कर दीजिए यहाँ पे। तो एवरी डे ये लोग फाइनल कॉपी मुझे दे देते हैं, एवरी डे फाइनल कॉपी मुझे दे देते हैं, एवरी डे फाइनल कॉपी मुझे देते हैं, एवरी डे फाइनल कॉपी ये भी मुझे दे रहा। अब जरूरी थोड़ी कि एक दिन में VLC में बनाकर दे दूंगा, हो सकता है कि एक साल लग गया मुझे VLC बनाने में, एक साल तक इन्होंने कोडिंग की, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 कॉपी ये लोग मुझे देंगे, तो मुझे यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो अगर वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं है तो मैं सब कुछ मैनुअल करूंगा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है तो ये लोग जब अपलोड कर रहे हैं तो हर डे के हिसाब से उसकी कॉपी बनती जाती है। तो ये फायदा होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम के आने से। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे कैसे, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाना है तो आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहां पर जब आप गिट इंस्टॉल करेंगे, यहां पर गिट इंस्टॉल करेंगे, यहां पर गिट इंस्टॉल करेंगे, तभी जाकर ये वर्जन कंट्रोल सर्वर बनेगा। और गिट इंस्टॉल नहीं करोगे तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम सर्वर ही नहीं बनेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई अब डेवलपर थोड़ी इसको बनाएगा वर्जन कंट्रोल सर्वर, डेवलपर को थोड़ी आता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे कॉन्फिगर होगा, कैसे सेटअप होगा। डेवलपर को तो सिर्फ कोड राइट करना आता है, कोड राइट करके सेव करेगा। अगर कोड राइट करके वो सेव करता है और उस ऑटोमेटिक उसकी वर्जनिंग नहीं हो रही है तो फिर बोलेगा यार ये क्या है, मतलब मेरा सिस्टम तो वर्जन कंट्रोल सर्वर है ही नहीं, वो तो यही बोलेगा। तो इसीलिए कंपनी कहती है कि एक गिट इंजीनियर हायर कर लीजिए जो क्या करेगा, डेवलपर के सिस्टम में वर्जन कंट्रोल सिस्टम कॉन्फिगर कर दिया करेगा, यहां पे कॉन्फिगर कर दिया करेगा, पूरा मेंटेन मैनेज करता रहेगा। अब इसी तरीके से अब मार्केट में गिट आ गया, तो अब ऐसे ही आपने देखिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी आपको मैंने समझा दिया और गिट भी समझा दिया। गिट क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वर्जन कंट्रोल सर्वर बनाने के लिए एक टूल है गिट, एक सॉफ्टवेयर आप बोल लीजिए कि गिट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किसी भी सिस्टम को वर्जन कंट्रोल सर्वर बना सकते हो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम बना सकते हो, क्लियर। अब बात आती है कि अब गिटहब क्यों आया, अब गिटहब क्यों आया, जब गिट से सब कुछ काम चल रहा है तो गिटहब क्यों आया, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए गिट जो है ना, वो गिट जो मार्केट में लेके आया ना, वो लिनक्स टूलबार ने लेके आया। कौन लेके आया,
तो अब बात करते हैं भाई गिट किसने लेके आया। तो पता है क्या था कि मार्केट में लिनस टोरवाल्ड ने जब लिनस कर्नल बनाया था ना 1991 में, लिनस टोरवाल्ड ने जब क्या बनाया था, लिनक्स कर्नल बनाया था, ठीक है ना। तो जब इसने लिनक्स कर्नल बनाया था तो कर्नल ओपन सोर्स था, तो उसके ऊपर बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे थे। तो अब बहुत सारे डेवलपर एक ही फाइल में काम कर रहे थे तो उन्हें वर्जन कंट्रोल चाहिए था। तो उस टाइम पर लिनक्स टूलबार लोग जो हैं वो बिट कीपर वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे यूज कर रहे थे, बिट कीपर। लेकिन कुछ सालों के बाद बिट कीपर ने अपना वर्जन कंट्रोल हटा लिया, मतलब इनको दिया नहीं, कुछ मनी की वजह से था दिक्कत आई उनको, तो उसने हटा लिया। तो अब लिनक्स टोल्डवार्ड ने बोला यार वर्जन कंट्रोल के लिए अब हम क्या करें, क्या मैनुअल पे आ जाए। तो लिनक्स टोल्डवार्ड ने फिर क्या किया, फिर लिनक्स टोल्डवार्ड ने गिट बनाया। तो गिट जो है वो किसने डेवलपमेंट किया है, लिनक्स टोल्डवार्ड ने। और फिर लिनक्स टोल्डवार्ड ने गिट बनाया और गिट को भी ओपन सोर्स रख दिया। तो गिट बनाया, तो गिट क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और लिनस टोरवाल्ड ने इसको क्या कर दिया, ओपन सोर्स रख दिया। लेकिन गिट ओपन सोर्स हो गया तो ओपन सोर्स का मतलब पता ही, कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो लेकिन गिट पूरा का पूरा कमांड लाइन था, ग्राफिकल नहीं था, सब कुछ कमांड लाइन होता था, सब कुछ कमांड लाइन, कोई ग्राफिकल था ही नहीं यहां पर, सब कमांड लाइन हो रहा था। तो जब सब कुछ कमांड लाइन हो रहा था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती थी यार कमांडो को बेस पे चलाने पे। तो उसके बाद जब ये ओपन सोर्स था तो गिटहब नाम की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, गिटहब नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने गिट को ले लिया, ओपन सोर्स था, फ्री था, ले लिया और उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोडिंग करके उसको ग्राफिकल में कन्वर्ट कर दिया, उसको ग्राफिकल में कन्वर्ट कर दिया और वेब बेस बना दिया। तो गिट और गिटहब में कुछ नहीं है, गिटहब जो है वो गिट का एडवांस वर्जन है, उसको पूरा का पूरा ग्राफिकल में बना दिया। तो ग्राफिकली मैनेज करने में लोगों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड होने लगा। इसी तरीके से गिटहब ने आपको एक चीज और बोला, गिटहब ने आपसे एक बात और बोली कि अगर किसी को वर्जन कंट्रोल सर्वर चाहिए, अगर किसी को वर्जन कंट्रोल सर्वर चाहिए तो वो मेरे से ले ले, गिटहब ने बोला। कहा कि मेरा वेब बेस इंटरफेस है, जैसे आप AWS आपको बोलता है ना कि आपको डेटा सेंटर चाहिए तो मेरे से ले लो, मैंने पीछे पूरा हार्डवेयर सेटअप कर रखा है। एजोर कहता है ना कि मेरे से आपको डेटा सेंटर बनाना है तो आप अपना फिजिकल मत बनाइए, मेरे से ले लीजिए, मैंने सब कुछ बना के रखा है। तो ऐसे गिटहब कहता है कि आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम चाहिए ना, तो आप अपना वर्जन कंट्रोल सिस्टम आप अपना मत बनाइए, आप मेरे से ले लीजिए, मेरा वेब बेस इंटरफेस है। तो मैं दोनों टाइप, मैं आपको प्राइवेट भी दे सकता हूँ, पब्लिक भी दे सकता हूँ। हाँ प्राइवेट लेंगे तो उसका कुछ चार्ज होता है, तो वो लोग आपको चार्ज करते हैं, तो कोई बात नहीं। कुछ कंपनियां हैं जिसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम खुद नहीं बनाना, मैनुअल नहीं बनाना, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वर्जन कंट्रोल सर्वर मैनुअल नहीं बनाना, तो वो गिटहब के पास चला जाए, गिटहब में जाके अकाउंट क्रिएट कर ले और वहां पे उनसे ले ले भाई। तो कई कंपनियां लेती हैं, तो कई कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि गिट भी यूज करती हैं, गिटहब भी यूज करती हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं पता है, ये जैसे सेंट्रलाइज है, अब कंपनी क्या करेगी, सेंट्रलाइज के लिए गिटहब रख लेगी और डेवलपर के सिस्टम पे लोकल लोकल के लिए गिट रख लेते हैं। लो भाई दोनों चला रही कंपनी, तो लोकल वर्जनिंग के लिए गिट हो गया और सेंट्रलाइज के लिए गिटहब हो गया, तो दोनों ही यूज होते हैं। तो हम अपने टॉपिक में गिट और गिटहब दोनों डिस्कस करेंगे। अब इसी तरीके से कई बंदों को एक डाउट होता है, सर ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम में गिट और गिटहब के अलावा और भी बहुत सारे हैं, बिट बकेट है, SVN है, और भी नंबर ऑफ है, सर उनमें और गिट और गिटहब में क्या डिफरेंशिएट है, मार्केट में गिट और गिटहब ज्यादा क्यों यूज होते हैं, अदर क्यों नहीं यूज हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, गिट जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सर्वर सिस्टम एक प्रकार से। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि डेवलपर अपने लैपटॉप में भी बना रहा है, ये भी अपने लैपटॉप में बना रहा है, ये भी अपने लैपटॉप में, ये भी अपने लैपटॉप में, और सेंट्रलाइज भी।
लेकिन अगर आप अदर वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात करें ना, वो सिर्फ आपको सेंट्रलाइज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हमारा वेब बेस्ड इंटरफेस है, आप हमारा वेब बेस्ड इंटरफेस में जाकर वो चीजें ले लीजिए, और हम लोकल में ऐसा कुछ नहीं देते हैं। तो यहाँ का डेवलपर अपना कोड राइट करेगा तो वो तभी यहाँ पे पुश कर सकता है जब वो इसके साथ कनेक्टेड हो। ये अपना लोकल कुछ मेंटेन नहीं कर पा रहा, लोकल वर्जन वो मेंटेन ही नहीं कर सकता, वो लोकल वही उसे सीपी कमांड से ही कॉपी करनी पड़ेगी। अदर की बात करो तो मैं, लेकिन गिट क्या है, गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप से, गिट में क्या बोलता है भाई, यहां भी कर लीजिए, यहां भी कर लीजिए, यहां भी कर लीजिए, तो आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो इसीलिए मार्केट में गिट ज्यादा यूज होता है। और गिटहब क्या है, उसका एडवांस वर्जन है, वेब बेस है, ग्राफिकल प्रोवाइड कर रहा और सेंट्रलाइज रेपो आपको दे रहा है। तो ये आपके सामने एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, इसी के साथ साथ थोड़ा सा आपको, तो अब क्या होगा देखिए, हमने सेंट्रलाइज के लिए गिटहब ले लिया। एक नया डायग्राम ले लेता हूं ये चीज आगे अंडरस्टैंड करने के लिए। नया पेज, ठीक है। तो अब क्या होता है कंपनी के अंदर, अब कंपनी के अंदर जैसे कि मान लो मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, ठीक है, मान लीजिए मैं एक ऐप बना रहा हूं, है ना, जैसे पेटीएम ऐप है, गूगल पे ऐप है, तो मान लीजिए मैं एक ऐप बना रहा हूँ माई पे नाम का। तो अब मुझे माई पे ऐप बनाना, तो मुझे डेवलपर रखना है। तो मैंने क्या किया, ये देखो डेवलपर्स मैंने हायर कर लिए, ये मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डेवलपर्स हायर कर लिया, ये देखिए मैंने नंबर ऑफ डेवलपर्स क्या किया, हायर कर लिया। अब ये डेवलपर्स मैंने हायर कर लिया, अब मैंने बोला डेवलपर्स को कोडिंग करनी है, ठीक है ना। तो अब डेवलपर्स को कोडिंग करनी है, अब चार डेवलपर्स एक ही एप्स को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर गिटहब पे गया और गिटहब पे जाके एक अकाउंट बना लिया, ये मेरा मान लीजिए गिटहब है, ठीक है। ये गिटहब है, गिटहब में गया मैंने एक अकाउंट बनाया, और अकाउंट बनाकर माई पे एप्स बनाने के लिए जो फाइल थी, मतलब किसी फाइल पे कोडिंग कर रहा है, वो मेन फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, माई पे डॉट जावा मान लो, ऐसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने क्या किया, मैंने चारों डेवलपर को बोला कि भाई आप लोग एक काम करिए, अपने सिस्टम से ना ये वाली फाइल अपलोड कर लीजिए। तो ये अपने सिस्टम से बैठ के क्या करेगा, यहां से फाइल को पुल कर लेगा, ठीक है ना। ये चारों ने क्या किया, यहां से फाइल पुल कर ली, तो मैंने क्या बोला भाई आप लोग पुल कर लो। तो ये चार क्या करते हैं, फाइल को पुल कर लिए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं, या अपना कोडिंग कर रहा है, या अपना कोडिंग, या अपना कोडिंग, या अपना कोडिंग। अब ये दिन भर में 50 बार चेंज करते हैं, तो अब इनको वर्जन मेंटेन करना है ना, तो अब इनके सिस्टम में वर्जन मेंटेन करना है तो गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। और गिट इंस्टॉल करना, चारों के सिस्टम में गिट इंस्टॉल करना, और गिटहब में जाके अकाउंट बनाना, और इनको अपलोड करने का राइट्स देना, तो ये सब कौन देखेगा। तो ये सब देखने के लिए कंपनी बोलती है गिटहब, गिट और गिटहब इंजीनियर लेके आइए जो ये काम करेगा, ठीक है। तो अब गिट और गिटहब इंजीनियर हमने लेके आ गया, तो वो इन सब के सिस्टम में गिट इंस्टॉल करेगा, ठीक है, और गिट इंस्टॉल करके डेवलपर को बता देगा भाई कि ये फलाना नाम के फोल्डर पे हमने वर्जनिंग इनेबल किया है, तो आप जो भी कोडिंग कर रहे हैं फाइल को इस फोल्डर पे रखकर करें, ऐसे हमने बता दिया। फिर हमने बोला कि भाई आप इस तरह से अपलोड कर लीजिएगा, इस तरीके से यहां से पुल कर लीजिएगा, और जब दिन भर आपका कोडिंग हो जाए तो फाइनल लास्ट वाला चेंजेस जो आपको लगे कि आप ओके है, तो उसको आप गिटहब में अपलोड कर दीजिएगा। बोले तो
पुश कर दीजिएगा। तो ये यहाँ पर पुश कर रहा है, तो राइट्स देनी पड़ेगी गिटहब में जाके, भाई तू पुश कर पाए, इसको भी देना पड़ेगा। कभी पुश करते टाइम कोई दिक्कत आ गया, तो ये सारी दिक्कतें कौन झेलेगा, कौन इसके लिए काम बोले तो मेंटेन करेगा, वो गिटहब और गिट इंजीनियर ये काम देख रहा होगा पूरा का पूरा सिस्टमैटिक। और तो इस तरीके से हम डेवलपर से कोड लिखवाकर अपना गिटहब में कलेक्ट कर लेते हैं। अब कलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप होता है, तो जब तक कलेक्ट हो जाएगा, तो कलेक्ट होने के बाद फिर हम अगला स्टेप क्या करेंगे, फिर हम अगला स्टेप अपना जाएंगे उसको अपना CI/CD के साथ पाइपलाइन पे ले जाके ऐड कर देंगे। तो इधर हमारा पाइपलाइन चल रहा होगा, मान लीजिए हमारा पाइपलाइन इधर चल रहा है, CI/CD पाइपलाइन हमारा चल रहा है, तो पाइपलाइन में ले जाके हमने उसको ऐड कर दिया। तो अब गिटहब को पाइपलाइन के साथ इंटीग्रेट कराना, तो अब ये कौन काम करेगा, ये काम भाई गिटहब का इंजीनियर करेगा ये काम इंटीग्रेशन। और जब पाइपलाइन के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा तो फिर कंपाइलिंग होगी, कंपाइलिंग के बाद फिर हमारा ये यहाँ पर स्टेजिंग एनवायरमेंट होगा। स्टेजिंग एनवायरमेंट में हमने उसको इंस्टॉल करके उसकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे, और क्वालिटी टेस्ट जब हमारा डन हो जाएगा, ये हमारा स्टेजिंग एनवायरमेंट हो गया मान लो। एक मिनट, ये हमारा स्टेजिंग एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है ना, ये हमारा स्टेजिंग हो गया। अब ये स्टेजिंग में डालेंगे, स्टेजिंग के बाद फिर ये आगे वाला एनवायरनमेंट हमारा प्रोडक्शन हो गया, ये हमारा प्रोडक्शन हो गया, फिर प्रोडक्शन में डालेंगे। तो अभी ये मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोडक्शन हो गया, ये स्टेजिंग हो गया। तो सबसे पहला रोल तो यही आने वाला है ना भाई, कोडिंग का। तो डेवलपर अपना कोडिंग करता रहेगा, लेकिन उसका वर्जन मेंटेन करना, वर्जन में कोई दिक्कत ना आए, कोड जब गिटहब में पुश करे तो कोई दिक्कत ना आए, गिटहब को CI/CD के साथ इंटीग्रेशन करवाना, ये सब काम कौन करेगा, गिट और गिटहब इंजीनियर करेगा। तो डेवऑप्स प्रोफाइल के अंदर गिट और गिटहब इंजीनियर ये वाला पोर्शन संभाल कर चल रहा होता है कंपनी का। ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन कौन संभालता है दोस्तों, सॉरी, ये पूरा, ये वाला जो पोर्शन है पूरा गिट और गिटहब इंजीनियर संभाल रहा होता है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेवऑप्स प्रोफाइल पर ये। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में इसकी लैब स्टार्ट करेंगे, तो देखेंगे भाई गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं, विंडोज के सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स पे कैसे करते हैं, कैसे वर्जन मेंटेन करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे कमिट करते हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे पुश करते हैं, एक्सेस कैसे किसी को देते हैं, पुल कैसे करते हैं, गिटहब को कैसे CI/CD के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और जब ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम CI/CD Jenkins पे आ जाएंगे, राइट, नेक्स्ट सीरीज के साइड। तो ठीक है दोस्तों, आई होप ये गिट और गिटहब के ऊपर जो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, और अगर ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है तो क्लाउड नॉलेज चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने कलीग को। तो ठीक है दोस्तों, गिट और गिटहब के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी लैब के साथ। तो अगले वीडियो में प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो दोस्तों, बाय बाय।